नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडीगेटा में आपका स्वागत है। यूपीटेट 2023 को लेकर के आज आपने देखा कि दो अलग अलग नोटिस जारी हुए। एक में बात की गई थी परीक्षा होगी अगस्त में, फिर बाद में पता चला कि वो परीक्षा नहीं होगी। वो सारी चीजें समाप्त हो चुकी हैं। अब एक और नोटिस देखने को मिला जिसमें परीक्षा को कराने को संदर्भ में एक पत्र लिखा गया, उसी के संदर्भ में ये नोटिस देखने को मिला है। उसी की बात इस वीडियो में हम करेंगे। तो जिस प्रकार आपने देखा होगा केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है उसके जो प्रमुख होते हैं उनको पत्र लिखा जाता है किसी भी टॉपिक को संज्ञान में लाना हो, या तो फिर आप कहेंगे सीटेट को भी पत्र लिखा गया था कि परीक्षा जो है वो साल में दो बार कराई जाए। उसी की तर्ज पर यूपीटेट यहाँ पर जो है उसको भी पत्र लिखा गया है। यहाँ पर किसके द्वारा पत्र लिखा गया है वो यहाँ पर नाम आपको देखने को नहीं मिलेगा, परंतु यहाँ पर आप देखेंगे कि किसके द्वारा इस लेटर को रिसीव किया जा रहा है, तो नोडल एजेंसी जो है उसके द्वारा, और ये आगे फॉरवर्ड कर देगी लेटर। क्या इसमें कुछ खास है सबसे पहले उसको देखिए। तो ये जो है टू द चेयरमैन नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE जो है उसको संबोधित करते हुए लिखा गया है। इसमें लिखा है रिगार्डिंग नोटिफिकेशन ऑफ उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यूपीटेट जो है उसका जो नोटिफिकेशन है उसको निकालने के संदर्भ में बेसिकली बात की गई है। इसमें बात किया गया काइंडली टेक रेफरेंस ऑफ NCTE गाइडलाइंस इन विच इट मेंशन दैट स्टेट गवर्नमेंट विल कंडक्ट स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इन टू सेशंस इन अ ईयर। यानी कि NCTE की गाइडलाइंस में ऐसा है कि जो आपका यूपीटेट की परीक्षा है, या फिर आप सीधे सीधे ये कह सकते हैं स्टेट अपने स्तर पर जो परीक्षा कराता है, जैसे यहाँ पर यूपीटेट नाम से जाना जाता है उत्तर प्रदेश में, वो आपका साल में दो बार कराने को लेकर के प्रावधान है। वही यहाँ पर लिखा है कि सर आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू दैट इन उत्तर प्रदेश स्टेट लास्ट स्टेट टेट एग्जाम जो है, जो कि आपका यूपीटेट है, वो 2021 वाला जो है वो हुआ था 23 जनवरी 2022 को। यानी कि आपको हम ये सूचित कराना चाहते हैं कि ये तब जो है वो हुआ था। साथ ही इसमें स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट कंडक्ट एनी टेट एग्जामिनेशन इन द ईयर 2022, और 2022 में आपका कोई भी टेट का एग्जाम नहीं हुआ, क्योंकि 2021 वाला ही 23 जनवरी 2022 को एक्चुअल में हुआ था। और साथ ही साथ इसमें भी लिखा है एंड इवन आफ्टर पासिंग मंथ ऑफ ईयर 2023 स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट रिलीजिंग नोटिफिकेशन ऑफ टेट एग्जाम। यानी कि और साथ ही साथ इसमें भी मेंशन किया गया कि 2023 के भी कि महीने अप्रैल मई तक आपका आ चुका है और नोटिफिकेशन जो है आपका टेट का नहीं जारी हुआ है। बाकी इसमें बात की गई रिस्पेक्टेड सर काइंडली एग्जामिन दिस, यानी कि इसको देखें और इशू गाइडलाइंस टू उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट फॉर कंडक्टिंग यूपी स्टेट टेट एग्जामिनेशन उसको जारी करने को लेकर मांग की गई है। और ये चीज मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूं कि आपका जो नया आयोग गठन होगा उसी के बाद ही ये सारी चीजें हो पाएंगी। परंतु ये जरूर है, एक चीज को समझिएगा कि जिस प्रकार से KVS को पत्र लिखा गया था, जिस प्रकार से सीटेट को पत्र लिखा गया था, तो उस पत्र का रिप्लाई जरूर देखने को मिलता है। यहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ रिप्लाई जरूर देखने को मिलेगा। करंट स्टेटस में आप देखेंगे तो ग्रीवेंस रिसीव्ड करके लिखा हुआ है, 21/5/2023 आज ही का नोटिफिकेशन है, फॉरवर्ड कर दिया गया है नोडल एजेंसी को। और यहाँ पर एक और आप नोटिफिकेशन इसी का ही सेम वही है, बस इसमें ये चीज देखेंगे कि जो नोडल एजेंसी ने रिसीव किया था उसके बाद उसने फॉरवर्ड कर दिया है। यहाँ पर लिखा है फॉरवर्ड टू उत्तर प्रदेश ऑफिसर नेम जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री भास्कर पांडे जो है उनको, ऑर्गेनाइजेशन नेम उत्तर प्रदेश, और ये एड्रेस दे रखा है, और ये ईमेल आईडी और ये कॉन्टेक्ट नंबर। तो ये है आपका ओवरऑल नोटिफिकेशन यहाँ से आपको देखने को मिला। अब क्या कुछ इसका रिप्लाई देखने को मिलता है, क्या टेट की परीक्षा कराने के संदर्भ में कोई इसमें बात क्लियर की जाती है। जैसे आपने देखा कि केवीएस का जो रिजल्ट था वो मैं इसका केवीएस का संदर्भ इसलिए ले रहा हूं ताकि चीजों को आप बेहतर समझ पाए। तो जिस प्रकार केवीएस ने इसी टाइप से पत्र का रिप्लाई करते हुए लिखा कि बीएड और जो आपका बाकी कैंडिडेट है उनकी उन्होंने लिस्ट अलग अलग तैयार की है, तो उन्होंने उस चीज का रिप्लाई किया जिससे जो बाकी छात्र हैं उनके भी जो सभी डाउट हैं वो क्लियर हो पाए और अब उनको इंतजार है केवल रिजल्ट का। और सेम चीज यहाँ पर भी यूपीटेट का इंतजार उतना नहीं हो रहा है जितना सुपरटेट का हो रहा है, परंतु परीक्षा कब होगी जो चाहते हैं परीक्षा को लेकर के एटलीस्ट इसमें क्लियर किया जाए जब भी इसका रिप्लाई देखने को मिले। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।